हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। आज दोस्तों हम बनाने वाले हैं अंडे से हाफ फ्राई। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ये बहुत ही शानदार और डिलीशियस लुक भी देती है और टेस्ट भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बिना किसी देरी के। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले दो अंडे लेंगे। थोड़े से क्वांटिटी में हमने जीरे लिए हुए हैं, ये हमने लिया हुआ है चिकन मसाला, ये टमाटर है दोस्तों, ये हमने थोड़ी सी प्याज ले रखी है, ये हल्दी पाउडर है, ये दोस्तों हमने लाल मिर्च ले रखी है, ये दोस्तों हमने लिया है नमक, ये है कटी हुई हरी मिर्च और ये है ऑयल। अब हमारी शुरू होती है नेक्स्ट प्रोसेस। हमने तवे को गर्म कर लिया है, अब उसमें हम तेल को ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हम तेल के गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल को दोस्तों तवे पर अच्छे से फैला लेना है जिससे कि हमारा हाफ फ्राई इसमें चिपके ना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि तेल लगभग गर्म हो चुका है। तेल के गर्म होते ही इसमें हम अंडे डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें अंडों को इसमें डालना है और हमने दोनों अंडे दोस्तों इसमें डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसे फैलाना नहीं है आमलेट की तरह, इसे हमें हल्का हल्का सा फैलाना है, इसे हमें ज्यादा नहीं फैलाना है जिससे कि यह ऊपर से हल्का सा कच्चा रहे, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हम हल्का सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ दो चुटकी नमक का उपयोग किया है। उसके बाद दोस्तों गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे जिससे कि हमारा हाई फ्राई जले ना। उसके बाद दोस्तों हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें हम हल्दी पाउडर हल्का सा ऐड करेंगे जिससे कि इसमें अच्छा एक फ्लेवर आ सके। उसके बाद दोस्तों इसमें हम हल्के से जीरे ऐड करेंगे। जीरे ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें हम हल्की सी प्याज ऐड करेंगे और प्याज के बाद दोस्तों इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे जिससे कि यह और ही स्वादिष्ट बन जाता है। उसके बाद दोस्तों फाइनल स्टेप में हम इसमें हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। उसके बाद दोस्तों इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप टमाटर खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लगभग हाफ फ्राई हमारा पक चुका है। इस तरीके से दोस्तों इसमें हम हल्का हल्का तेल डाल देंगे जिससे कि यह इसको निकालने में ज्यादा दिक्कत ना हो। इसको आप जरूर अपनाएं जिससे आपका हाफ फ्राई बिगड़ेगा नहीं, ये अच्छी तरीके से निकल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा हाफ फ्राई अच्छे तरीके से निकल गया है और यह टूटा भी नहीं है। दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारा हाफ फ्राई बन के हो चुका है तैयार और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही शानदार और डिलीशियस लुक दे रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।